वो मंत्र मंत्र से उसके ऊपर डाले और उसकी जुबान को बंद कर दिया। अनेक अनेक लोगों की तकलीफें दी उनको, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी समस्याएं लेकर आती थी, अब समाधान की बजाय वो सिर्फ लूटने का धंधा ही चालू हो गया। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कर्मों की थ्योरी, कर्मों के ऊपर जो ये मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही आपको हैरान कर देगी। कुछ ऐसी बातें जो कर्मों के बारे में लोग हमसे पूछते हैं। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, लगभग 6000 से ज्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं, तो कुछ कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किए हैं उसके बारे में जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि क्या कर्मों के बारे में जब लोग सवाल करते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति आज एक तकलीफ से गुजरा, एक बच्चा ऑटिज्म के साथ पैदा होता है। ऑटिज्म एक बीमारी है जिसमें ब्रेन की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है और बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है, मतलब वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता, अपने ही आप में खोया खोया सा रहता है और मुंह से उसकी जुबान भी बड़ी मुश्किल से निकलती है। ऑटिज्म के बारे में आपने देखा सुना होगा, उदाहरण भी आप देख रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल से बोल पाता है, ऐसे करता है, बड़ा बड़ा टफ होता है। तो बड़ा हैरानी भी होती है, बड़ा दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है कि कैसे हम इन लोगों की तकलीफ को दूर कर पाए, आखिर लोग ऐसा क्यों होते हैं। विज्ञान के पास इसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं है, वो बोल देते हैं जेनेटिक है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन इसका कोई सीधा सीधा आंसर नहीं है। तो अगर कोई मानसिक बीमारी से, इस तरह की बीमारी से पीड़ित है, तो उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो माँ बाप हमारे पास आए, उन्होंने पूछा कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, बताइए हमने ऐसा क्या कसूर किया कि हमारे घर में पैदा हुआ, और इस बच्चे ने ऐसा क्या कसूर किया कि जो ये बिल्कुल बोल नहीं पाता है, या इतना अपने आप में खोया खोया सा रहता है, या इतना दुखी है, इसकी ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो रही। आम सामान्य इंसान, मतलब अगर 10-12 साल का बच्चा भी होगा ना, वो 2-3-4 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो हमने जब इसका पास्ट लाइफ देखा, तो जो स्टोरी सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूं। मथुरा में एक आश्रम हुआ करता था, उस आश्रम में ये जो बच्चा है उस समय में बड़ा प्यारा कृष्ण भक्त था। बचपन से आश्रम में ही पला बड़ा, बहुत बचपन से माँ दे गई होगी तो बचपन से आश्रम में पला बड़ा, तो बचपन में भगवान कृष्ण के साथ भक्ति करते 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 शुद्ध हृदय जो है ना, अनेक तरह की ब्लेसिंग्स भगवान से मिली हुई, खूब अच्छी ग्रोथ हुई। समय आया मथुरा के में जिस आश्रम की बात हो रही है, तो वहां पर जब ये बड़ा हुआ, लगभग 10-12-15 साल के करीब हुआ, तो अब इसके अंदर इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी बातें, क्योंकि बचपन से वहीं रहा तो सारी बातें इसके शुरू में इसको ज्ञान था। जो तब वहां पर दो सफाई कर्मचारी थे, ये सफाई कर्मचारियों ने सोचा कि इस लड़के के पास इतना ज्ञान है, ये सब कुछ जान लेता है, पता लगा लेता है, इसकी इस पावर का फायदा उठाया जाए। तो उसको उन्होंने कुछ लालच दिया, उसको कुछ किसी तरीके से बहकाया, उनके बहकावे में आ गया कि हम तेरे को ऐसे देंगे, ये साथ मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हारा खूब नाम होगा, लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, ऐसा करके बच्चे को लालच दिया और कहा कि तुम बैठो और चौकी लगाया करो और लोगों को खूब ब्लेसिंग दिया करो, लोगों की समस्याओं का समाधान दिया करो और उनके नाम के उससे पैसे लिया करो। मेन मकसद उनका था इससे पैसे के लिए, इसको तैयार करना कि पैसा ले। तो उसने शुरू कर दिया, वो शुरू करता है तो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा ले रहा था, थोड़ा बहुत जेन्युइन पैसा ले तो उसमें भी समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा और लालच के वशीभूत होकर और पैसा मिले, छोटी छोटी चीजों के लिए भर भर के ऐसे फीस बताए और उनको लूटे। और अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ बोलने का प्रयास करे, तो उसके पास कुछ मंत्र होते थे, वो मंत्र मंत्र से उसके ऊपर डाले और उसकी जुबान को बंद कर दिया। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने का प्रयास करता, नाम रोशन होने लगा। अब उसके अगेंस्ट जो जाहिर सी बात है, कुछ गलत करेगा तो कहीं ना कहीं कोई बोलेगा भी सही, बोलेगा तो जिन लोगों ने आवाज उसके खिलाफ आवाज उठाई, उन सबको मंत्र तंत्र की शक्ति से उनकी जुबान जो है बंद कर दी। ये तमाशा काफी दिन तक चलता रहा। इसी प्रकार चलते चलते जो है समय आया, इनकी लालच बढ़ती चली गई और फिर उन्होंने खूब इस तरीके से लोगों को लूटा, अनेक अनेक लोगों की तकलीफें दी उनको, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उनकी समस्याएं लेकर आती थी, अब समाधान की बजाय वो सिर्फ लूटने का धंधा ही चालू हो गया। ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। अब हर चीज का तो उपाय नहीं होता, आप भी जानते हैं इस बात को, हर चीज से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएं ऐसा नहीं होता। याद रखिए, कर्मों का जो सजा है ना, कार्मिक जो भी आपने किया है उसको उसी मात्रा में, उसी टाइम पीरियड में भुगतना पड़ता है। कोई भी चीज की हुई, कोई भी उपाय आपकी तकलीफ को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड नहीं घटाया जा सकता, इस बात को याद रखें। अब इस लड़के ने जो कुछ भी किया, अब सोचिए जब ये लोग मरे, सब जीवन खत्म हो गया, सोचिए परमात्मा छोड़ेगा उन अनेक 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 लोगों के दिल से जो बद्दुआएं निकली,
कि भर भर के लूटा, भर भर के उनकी जुबानें बंद कर दी। अब ये सारी बद्दुआओं का नतीजा इस जीवन में वो जो दूजे लड़का, ये वही लड़का है जो ऑटिज्म की बीमारी के साथ पैदा हुआ। और वो दोनों सफाई कर्मचारी कौन है? इसके माता पिता। दोनों सफाई कर्मचारी अब इसके माता पिता बन के आए हैं। अब सोचिए क्या दुश्मनी थी, अब आपके सामने सब स्पष्ट है। किस तरीके से जिन चीज, अब माँ बाप बेहद पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी उनके पास था थोड़ा बहुत वो सब लुटाए जा रहे हैं। इधर दे, इधर दिखा डॉक्टर को, उधर दिखा, सारा पैसा घर तक बिक चुका है, बर्बाद हो चुके हैं वो। क्यों नहीं होंगे बर्बाद? सोचिए, एक आम लोगों से पैसा लूट कर खाया, इकट्ठा करते गए, अपनी लालच के वशीभूत अपने घर बना रहे हैं, अपने मकान खड़े कर रहे हैं, जमीनें ले रहे हैं और खेत ले रहे हैं, अपने आप को रिच बना लिया उन्होंने इसी के पैसों की कमाई के द्वारा। परमात्मा बख्श देगा क्या? परमात्मा छोड़ देगा क्या? वो किसी का चाचा नहीं लगता, कोई रिश्तेदार नहीं है वो किसी का कि तुम्हें माफ कर देगा। वो अपने हिसाब किताब पर आएगा तो वो अंदर आंतड़ियों में से भी निकाल लेगा। ये वही हिसाब हो रहा है। अब सोच के देखिए क्या कर्म किए थे, किस तरह से किए थे। एक एक कर्म का हिसाब है। कोई वहां पर भूल चूक नहीं होती उसके सुपर कंप्यूटर में, उसके कार्मिक कंप्यूटर में। किसी की कोई माफी नहीं है कि कोई ये सोच ले कि आज अब आप गिड़गिड़ा लो, उसके आगे जो मर्जी मिन्नतें कर लो। परमात्मा करे भी तो क्या करे। आज सपोज है हमारे पास भी आते हैं या किसी धाम में चले जाते हैं, किसी बड़े बड़े जो आजकल नाम चल रहे हैं, मान लो कहीं पे भी चले जाते हैं, क्या आपको लगता है इसको माफी दे देनी चाहिए? मिल जाएगी क्या माफी? नहीं मिलती। किसी भी जगह जाकर थोड़ा बहुत रिलीफ आ जाएगा, थोड़ी बहुत शांति हो सकता है कि मतलब 5-10% फर्क पड़ जाए कहीं पर जाकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। समय रहते रहते रहते, और जो इसके माता पिता ने यह भी बताया कि बचपन में जब ये छोटा था तो कृष्ण भक्ति के कारण, एक तरफ भक्ति भी की याद रखना, तो भक्ति के कारण इस जीवन में भी इस बच्चे का नाम कृष्ण रखा। पिछले जीवन में कृष्ण भक्त था, इस जीवन में उसका नाम कृष्ण पड़ा। तो कृष्ण भक्ति करी तो भक्ति का रिजल्ट भी मिला, कहीं ना कहीं आश्रम से जुड़ा हुआ रुझान इस जीवन में भी उस तरफ रहा, लेकिन गलती की सजा अपनी जगह पर है। एक एक गलती जिस रूप में करी, लोगों की जुबानें बंद करी, इस जीवन में बोल नहीं पाता। अब सोच के देखिए क्यों परमात्मा ने आपको, कुछ तो कारण रहा होगा ना। क्यों कुछ लोग ऐसे ही दुखों के कारण पैदा होते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पास लाइफ कुछ नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं होता? आप कोई कारण बताओ, तरीका बताओ कि पास लाइफ क्यों नहीं होता। कोई तरीका नहीं उनके पास, ऑटिज्म है और कहीं बता दो दुनिया में इसका कोई इलाज हो। तो इस तरीके से कर्म के खेल से कोई नहीं बच सकता। कोई ये ना समझे कि किसी भी तरीके से परमात्मा को तुम धोखा दे दोगे। और ये दोनों सफाई कर्मचारी देख लो, ये कहते हैं हमने क्या गलती की थी। चलो इसने गलती की, क्या गलती की थी? सारा पैसा लूट के तुमने खाया था ना, तो गलती इसने भी करी और गलती तुमने भी करी, कम तुम थोड़े थे। आखिर इसी के द्वारा तुमने करवाया, तुझे मोटिवेट किया। तो जो मोटिवेट करने वाले थे, जो लूटने वाले थे वास्तविक लोग, तो माता पिता थे। तो माता पिता को भी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, परमात्मा किसी का दुश्मन भी नहीं है, लेकिन टिट फॉर टैट उन सैकड़ों हजारों लोगों को जिसको इन्होंने लूटा, एक तरीके से पैसे के नाम पर अलग अलग लूट मचाई, बहुत जो कोई देने में समर्थ नहीं था उसकी मकान जमीन जायदाद छीन लिया करते थे, भाई हमारे नाम पे ये कर दे, इस तरह इलाज करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, और जो कोई बोलने का प्रयास करता उसकी जुबान बंद करा देते। परमात्मा ने क्या किया देख लो। अब इसमें परमात्मा का कोई लेना देना भी अगर ना हो तो उन लोगों के साथ जो कार्मिक बना, वो लोग इस जीवन में किसी ना किसी रूप में आकर इनको तकलीफ देंगे, किसी ना किसी रूप में आकर तकलीफ देंगे, जितने मर्जी धक्के खा ले इसका इलाज सीधा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें धीरे धीरे करते 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 जैसे भोगते कर्मों का हिसाब करता। अब इनको क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि इसी तरह के गरीब से गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की, मानसिक रूप से प्रताड़ित लोगों की सेवा करें, और कहीं पर किसी भी तरह के तंत्र मंत्र के प्रयोग से बचे, नमस्कार करे, परमात्मा के नाम का जाप करे, भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगे। विशेष रूप से हमने इनको कहा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर बार बार माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ, मथुरा में जाकर संतों की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से तुम्हारे इस बच्चे की तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन खत्म एकदम से नहीं होगी, समय लगेगा। कोई आशीर्वाद इसको एकदम से ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर ठीक इसको नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? तो इतनी कर्मों का हिसाब किताब इस तरह का है। तो सचेत रहें, आज कोई भी कर्म करते हुए सचेत रखना मेरा ओल पूरा मकसद जो है आपको बार बार इसी बात के बताने के लिए कि आप चेतन हो जाएं, सचेत हो जाएं और इस तरह की गलतियों से बच सकें, कि कर्म का हिसाब किताब बड़ा खतरनाक होता है। छोटी से छोटी बात की सजा है वहां पर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। इसी तरह के और
कर्मा स्टोरी के नाम से हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। कर्मा स्टोरी के नाम से वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस ज्ञान को लोगों तक स्प्रेड करने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।